अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार। इंटरनेट पर कई दिनों से चर्चाओं में बना है विभव कुमार का नाम। केजरीवाल के पीए का है बिहार के रोहतास से नाता। पत्रकारिता की पढ़ाई करने वाले विभव कई सालों से आम आदमी के लिए कर रहे नौकरी। विभव कुमार ये नाम लगातार चर्चाओं में है। इस नाम को अगर आपने अब तक सुना होगा तो वो एक घटना के कारण जहां स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में विभव कुमार को आरोपी बताया जा रहा है और गिरफ्तारी कर ली गई है। दरअसल विभव कुमार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबी माने जाने वाले शख्स और उनके पीए हैं। लेकिन आज बात करेंगे कि आखिर विभव कुमार का बिहार से क्या कनेक्शन है या फिर उनके बारे में और जानने की कोशिश करेंगे। विभव कुमार को मुख्यमंत्री केजरीवाल का दाहिना हाथ बताया जाता है। वहीं विभव कुमार पर बीते दिनों आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ कथित तौर पर मारपीट करने और बदतमीजी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। विभव कुमार के पिता महेश्वर राय ने अपने बेटे को निर्दोष बताया है। जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली में रहकर काम कर रहे विभव कुमार के पिता रोहतास के कुदरू गांव के हैं और विभव कुमार का पैतृक निवास भी रोहतास के कुदरू गांव में ही है। विभव के पिता का कहना है कि राजनीति के तहत उनके बेटे विभव की गिरफ्तारी की गई और दिल्ली में मेरा बेटा पत्रकारिता करता था, बाद में उसने अरविंद केजरीवाल के संगठन में काम करना शुरू कर दिया और सरकार बनने के बाद केजरीवाल के साथ ही हो गया। खुद विभव के पिता ये जानकारी ANI को देते नजर आ रहे हैं, जहां एक वीडियो भी सामने आई है। एक बार आप उस वीडियो को भी देख लीजिए। दिल्ली कैसे पहुंचे, अरविंद केजरीवाल से कैसे संपर्क में आए? वो वहां पत्रकारिता किया जी, पहले BSU में यहां पढ़ा, BSU से वहां पत्रकारिता किया, पत्रकारिता वहीं पर दिल्ली में किया, वहीं पर मैंने खोज दिन कर रहा था। एक कबीर संस्थान था जी, जो अरविंद केजरीवाल का ही था, उसी में वो नौकरी करने लगा। करते 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 अब मैंने बाल बच्चा को भी ले गया, तो प्राइवेट जगह में रह करके किसी तरह से पढ़ा लिखा रहा था और वहीं से उनका जो सरकार बनाए उसमें जो LG के यहाँ से लेकर वो अपना निजी सचिव चयनित किया गया और वहीं रह रहा, अभी भी वहीं है। बाल बच्चों को पढ़ाई का दिक्कत है, हो जाएगा उसको। मैंने इस तरह का बात करने से बाल बच्चा पर खासकर बहुत। शुरुआती दिनों पर गौर फरमाएं तो बताया जाता है कि करियर की शुरुआत में विभव ने दिल्ली के डिप्टी CM रहे मनीष सिसोदिया के एक गैर सरकारी संगठन कबीर में काम किया था और फिर साल 2015 में वो अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव बन गए। 2020 में जब आम आदमी पार्टी ने दूसरी बार दिल्ली में सरकार बनाई तो उन्हें फिर से अरविंद केजरीवाल का PA बनने का मौका मिल गया। विभव का दिल्ली में हुए शराब घोटाले में भी नाम आता है, जहां शराब घोटाले मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच के साथ साथ दिल्ली जल बोर्ड में कथित घोटाले के मामले में ED की जांच का सामना करना पड़ा था। यानी कि विभव कुमार पर लगा स्वाति मालीवाल वाली घटना में इल्जाम पहली बार नहीं है, बल्कि पहले से ही कई आरोप विभव कुमार पर लग चुके हैं।